वेलकम टू आवर चैनल स्पोर्ट्स इन्फो 98। भारत बामुकाबला श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के दरमियान वनडे मैच का आज पहला मैच खेला गया। श्रीलंका ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया। रोहित शर्मा और समन गिल को ओपनिंग करने का मौका मिला। इनकी ओपनिंग काफ़ी ही कमाल रही। भारत ने अपनी पहली विकेट समन गिल के रूम में 143 रन पर गंवाई। समन गिल ने आज 60 गेंदों पर 70 रन बनाए। फिर आए विराट कोहली। आज भारत के तमाम बल्लेबाजों के बैट से रन निकल रहे थे। काफ़ी अरसे बाद विराट कोहली ने भी अपनी बैटिंग का अच्छा मुजाहरा दिखाया और अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। इसके बाद रोहित शर्मा गलत शॉट खेलने की वजह से 83 रन बनाकर वापस पवेलियन को लौट गए। अगर आज की इनिंग के अंदर विराट कोहली की मजमूई स्कोर की बात की जाए तो उन्होंने 113 रन बनाए। इसके साथ साथ अगर हम केएल राहुल की बात करें तो वो भी किसी से कम ना रहे। उन्होंने भी 29 गेंदों पर 39 रन बनाए, जिसके साथ चलते बने। अगर इंडिया के पूरे स्कोर को देखा जाए तो उन्होंने 373 रन का टारगेट दिया, जो कि बहुत ही बड़ा टारगेट है श्रीलंका के लिए। अगर इस मैच को प्रिडिक्शन के हिसाब से देखा जाए तो श्रीलंका के लिए ये काफ़ी मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन ही है, क्योंकि श्रीलंका की टीम इतना मजबूत नहीं है कि वो 373 रन बना सके, वो भी इंडिया के खिलाफ। अगर श्रीलंका के गेंदबाजों की बात करें तो आज बहुत ही ख़राब कारकर्दगी पेश की, जिसके चलते भारत ने इतना बड़ा टारगेट सामने खड़ा कर दिया। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगी बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँच सके जल्द से जल्द। अगर श्रीलंका की बैटिंग की बात करें तो वो भी कमाल रही। जिस तरह इनकी आज मिडल ऑर्डर की बैटिंग रही, बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की। इब्तदाई ओवर्स में श्रीलंका की टीम को झटके लगे थे, मगर उन्होंने एक अच्छा कमबैक किया था। श्रृंगा ने आज श्रीलंका को एक अच्छा आगाज़ दिया। उन्होंने 80 गेंदों में 72 रन बनाए। अगर श्रीलंका के स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो वो भी कमाल रहा, लेकिन इतना ज़्यादा स्कोर होने की वजह से श्रीलंका की टीम ये स्कोर हासिल करने में नाकाम रही। अगर हम श्रीलंका के कैप्टन की बात करें तो शनाका ने 70 गेंदों पर 76 रन की इनिंग खेली, जो कि बहुत ही कमाल की इनिंग थी। श्रीलंका ने 8 विकेटों के नुकसान पर 280 रन बनाए। भारत ने यह मैच 90 रन से अपने नाम कर लिया। भारत के गेंदबाजों की अगर बात की जाए तो स्पीडगन इमरान मलिक ने हैरत अंगेज बॉलिंग की और 3 विकेट्स अपने नाम किए। इसके साथ साथ मोहम्मद सिराज ने भी 2 विकेट्स हासिल की।